फिर राहुल राहुल उठाएगा, राहुल है विद्या है। What is up guys, this is Rajat and you are with me on my journey to this very small but beautiful place. I took the bus from Vidhan Sabha yesterday night at 10. I reached Aut at around, I guess 11. From Aut I had a cab which dropped me to Sainj, and from Sainj I took another cab to this small but really beautiful place. किस चीज़ के लिए फेमस है ये मुझे भी नहीं पता है, मैं बस ऐसे ही आ गया था बिना प्लानिंग के। और एक होम स्टे है ये, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ, 1000 रुपीज होम स्टे, बेसिक है, कुछ ऐसा है नहीं, बट व्यू यहाँ से बाहर इज अमेजिंग। सो अभी मैं निकलता हूँ, थिंग इज यहाँ दूर दूर तक कोई है भी नहीं बताने वाला कि रास्ता किधर है और किधर से जाना है, बस का तो कुछ पता ही नहीं लगा। अगर ऐसे ही चलते रहे तो शायद मैं रास्ता भूल भी सकता हूँ। आई कैन गेट लॉस्ट इन दिस फॉरेस्ट, ऑल आई कैन सी आर बिग सीडर ट्रीज एंड स्टेयरवेज, स्टेयरवेज टू हेवन। सो यहाँ पे आने के बाद ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि करना क्या है, बस वीकेंड था, वीकेंड सेलिब्रेट करने के लिए दिल्ली से यहाँ आए
शंघाई पूरा नाइट का जर्नी और उसके बाद भी काफ़ी दूर औध से भी ऑलमोस्ट कितना घंटा लगा मुझे पूरा दो ओके एटलीस्ट इट टुक अस अराउंड 3-4 hours टू रीच हियर और अभी मैं वापस नीचे जा रहा हूँ जो मेन जगह है यहाँ का द मेन विलेज क्योंकि ऊपर खाने के लिए कुछ नहीं है द होम स्टे इज देयर आई थॉट शायद नीचे जहाँ पे मेन विलेज है जहाँ पे मेन सेटलमेंट है शायद वहाँ पे खाने के लिए कुछ मिल जाए कुछ कैफे या रेस्टोरेंट कुछ तो मिलेगा सो लेट्स गो होमस्टे ढूंढने में भी इतनी मेहनत करनी पड़ी 4 बारी उसको कॉल किया 2 बारी रास्ते में किसी से पूछा एंड वॉज नो साइन बोर्ड गूगल मैप पे भी वो था ही नहीं फाइनली बंदे को गाड़ी कर लेके आना पड़ा एंड दैट्स हाउ आई गॉट द होमस्टे So friends, this place behind me is really amazing. I was just strolling around or randomly main yahan pe aa gaya. This looks like some private property I guess kyunki wahan pe there is a signboard. Kafi dur hai so I don't know what does it read but kuch ghar hai yahan pe 2-3 aur ek मंदिर जैसा कुछ बना हुआ है वहाँ पे Somebody told me that there is a temple, but I'm not sure if this is the temple or there was another temple which I left behind. So मुझे आइडिया नहीं है कि ये वाला है या वो वाला है और आप लोगों से बात करते करते आई गेस आई केम टू द रॉन्ग वे वापस जाना पड़ेगा सो आई कैन फील द टेम्परेचर इज फॉलिंग डाउन As you can see, I'm just wearing my regular half sleeves T-shirt or कुछ मैं लेके नहीं आया मुझे बोला गया था Somebody told me that it would be hot, but यहाँ का जो पानी था it was freezing. I mean इतना ठंडा पानी था कि जब मैंने टैप ऑन किया so I could see the vapors on the tap. इतना ठंडा पानी गीजर भी था but you know मुझे आदत है ठंडे पानी से नहाने की और फिर चाहे वो कितना भी ठंडा पानी क्यों सो अभी आई एम लुकिंग फॉर अ प्लेस टू ईट और मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है यहाँ पे
आई डोंट नो और कितना चलना पड़ेगा मुझे. ओके सो दिस इज शॉर्टकट विच इज ऑलमोस्ट लाइक 500 मीटर. और जब मैं होम स्टे से जहाँ से मुझे बस ने रुका, जहाँ से कैब ने ड्रॉप किया था, वहाँ से और होम स्टे तक जाने के लिए मुझे पूरा एक घंटा लग गया था. बहुत लंबा ट्रैक था, टेढ़ी चढ़ाइयाँ थी, इतना ये रास्ता तो बिल्कुल आसान था यार. हार्डली 20 मिनट्स एंड आई एम डाउन द विलेज. हाँ बट मैंने थोड़े से जंप मारे थे जो शायद मेरी टांग तोड़ सकते थे अगर मैं सीधी तरह लैंड नहीं होता तो. बट कूल, अच्छा है, टाइम बच गया, मेहनत भी बच गई. सो अभी कुछ खाने का देखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे. आई एम इन लव विद द एम्बियंस ऑफ दिस प्लेस. एकदम शांत जगह है, वेरी काम पीसफुल, नो ट्रैफिक नॉइज, नो सिटी हसल बसल, सिंपल लॉग, सिंपल घर, एंड एवरीथिंग इज ब्रिलियंट.